प्रीस्कूल ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है और कुछ देर हमें इंतजार करना होगा। उत्तराखंड में भी पहले ही चरण में एक ही चरण में होने वाला ये चुनाव शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बिजनौर की है। लोग देखिए तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। सात स्वच्छ मतदान किया है। अच्छा प्रत्याशी विजयी होकर जाए, प्रदेश में उच्च कोटि की सरकार बने जो सबका साथ सबका विकास करे। एक आंकड़ा अभी मैं पढ़ रही थी जिसमें लिखा है कि 721 कैंडिडेट्स तो हैं ही मैदान में। उत्तर प्रदेश के मैं दूसरे फेज की बात कर रही हूं, उसमें से 256 जो है वो करोड़पति है और 108 जो है उसमें दागी है और हैवी वेट्स तो हैं ही। हमारे साथ यूपी के बिजनौर से पवन नारा है, यूपी के बरेली से बृजेश श्रीवास्तव है, यूपी के रामपुर से ब्रह्मप्रकाश दुबे हैं और वहां उत्तराखंड के हरिद्वार से हमारे साथ रवि त्रिपाठी बने हुए हैं। जरा पवन नारा का रुख कर लेते हैं, यूपी के बिजनौर से हमारे साथ है। बिजनौर के लोग तादाद में पहुंच रहे हैं, बाकायदा वहां पर जमकर वोटिंग भी हो रही है। महिलाएं भी बहुत तादाद में वहां पर पहुंच रही होंगी क्योंकि भाई दो महिलाएं जिनकी किस्मत दांव पर आज लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, महिलाओं में पूरा जोश है और बात की जाए, हम उस वक्त उस तरफ आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि सीधा सूरज पड़ रहा है, लेकिन अभी बूथ पर लंबी कतारें लग गई हैं, सूरज की रोशनी आ रही है। अभी 8 भी नहीं बजे हैं, लोग यहां आ रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात है कि जिन 67 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है दूसरे चरण का, उसमें 2012 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी, तो सब बीएसपी के खाते में 17 और बीजेपी के खाते में 10 गई थी। तो गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी अगर विनिंग एज रखना चाहती है तो इन 37 सीटों को बरकरार रखना उनके लिए चुनौती होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दूसरे दौर में समाजवादी पार्टी के लिए मेक और ब्रेक की सिचुएशन होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए यहाँ पर चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और ये कांग्रेस गठबंधन हो, बहुत सोच समझकर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। खासकर ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पर वोटिंग हो रही है पश्चिमी यूपी का, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और इसीलिए खूब सारी स्ट्रैटेजी और खूब सारा होमवर्क इसके पीछे पार्टियों ने किया है, लेकिन ये पब्लिक है, ये डिसाइड करेगी किसे पसंद किसे नापसंद करती है। बहरहाल हमारे साथ यूपी के बरेली से बृजेश श्रीवास्तव भी बने हुए हैं। बृजेश, आपके पास क्या जानकारी है, क्या वहां भी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और मुद्दा वही है लॉ एंड ऑर्डर या फिर इससे अलहदा भी अलग मुद्दे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली बेहद ही महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ पर 9 विधानसभाएं हैं और कहीं ना कहीं सत्ता नसीन दल समाजवादी पार्टी और केंद्र में सत्ता नसीन दल बीजेपी, दोनों की यहाँ पर साख दांव पर लगी है और दोनों कहीं ना कहीं अपने अपनी जो है जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता क्या चाहती है, तमाम यहाँ पर वोटर है। एक चीज ये बताइए, आप लोगों ने वोट किया, पहला वोट किया, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप? परिवर्तन के लिए। किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं इलाके में, आपकी क्या समस्या है? हमारे इलाके में बिजली 24 घंटे आए, सड़कें बढ़िया बने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 5 साल। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपको रोक रही हूँ ब्रजेश, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं। वो सर्टिफिकेट जो लोगों के हाथों में आप देख रहे हैं, जो वोट देने के लिए जा रहे हैं और जो पहले जा रहे हैं उनको मिल रहे हैं,